अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। पहला सवाल है 3:1। अब यहाँ पर हमें अनुपातों का योग करना है, तो अनुपातों का योग बराबर 3+1 बराबर 4 हो जाएगा। अब पहली जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 3/4 और दूसरी भिन्न बनेगी 1/4। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 3/4 × 100। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 या 75% पहले के आंसर आ जाएंगे। दूसरा है 1/4, 1/4 का प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 25 बार कटेगा तो 25% आ जाएगा। बी है 2:3:5। अब इन तीनों को अनुपातों का योग करेंगे तो 2+3+5 = 5 × 8 और 2 = 10 हो जाएगा। पहली भिन्न बनेगी 2/10, दूसरी भिन्न बनेगी 3/10, तीसरी भिन्न बनेगी 5/10। अब प्रतिशत में बदलना है इन तीनों भिन्नों को तो 100 का गुणा करेंगे, 2/10 × 100, 1 0 से 1 0 = 2 × 10 = 20%। दूसरा है 3/10, 1 0 से 0 = 3 × 10 = 30%। तीसरा है 5/10, 1 0 से 0 = 5 × 10 = 50%। इसका अगला सवाल 1:4। तो अनुपातों को बदलेंगे तो 1+4 = 5। तो भिन्न बनेगी 1/5, दूसरी भिन्न बनेगी 4/5। तो जो पहले अनुपातों में है उनको जो जोड़ेंगे अनुपातों का आएगा क्रम, उसको बटे में हम लिखेंगे। तो 1/5 × 100, 5 से 100 को कटा 20 बार 20%। 4/5 × 100, 5 को 100 से 100 को कटा 5 से 20 बार 20 जो 80% जिसका आंसर में प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा सवाल है एक नगर की जनसंख्या दे रखी है 25,000 और अगले वर्ष उसमें वृद्धि होकर 24,000 अगले वर्ष जो जनसंख्या हो जाती है 24,500 तक कमी हो जाती है। तो नगर की जो जनसंख्या दे रखी है 25,000, वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 24,500 है, अर्थात जनसंख्या में कमी हुई है। तो कितनी कमी हुई है, तो 25,000 में से 24,500 को घटा देंगे तो 500 व्यक्तियों की जनसंख्या में कमी हुई है। तो कमी का प्रतिशत निकालना है तो कमी प्रतिशत बराबर कमी बटे में प्रारंभिक मान इंटू 100 सूत्र लगाना है। कमी यहाँ पर है 500 इंटू बटे में है आएगा प्रारंभिक मान या नगर की जनसंख्या जो प्रारंभिक थी वो 25,000, प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कटा 500/250 और इसको हल किया तो 2% कमी हमें प्राप्त हो जाएगी। चौथा सवाल है एक कार का क्रय मूल्य दिया है 3,50,000 रुपए और अगले वर्ष उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, होती है 3,70,000 रुपए, अर्थात वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि हुई है 3,70,000 में से 3,50,000 रुपए को हम घटा देंगे तो 20,000 रुपए की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान इंटू 100, वृद्धि हुई है 20,000 की प्रारंभिक मान है 3,50,000 × 100, प्रतिशत बदलेंगे 100 का गुणा करते हैं, 2 0 से 2 0 इधर से 2 0 से 2 0 कटा 50 200/35 को इसको हल किया तो 5.7% इसके आंसर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। हाँ,